हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस किया था। आज हम करने जा रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस, कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। आइए पढ़ते हैं सी एंड सी प्लस प्लस। फर्स्ट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि सी को किसने डेवलप किया। सी वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिचीज इन 1972। कि सी को किसने डेवलप किया है, डेनिस रिची ने, और कब किया है, 1972 में। और सी प्लस प्लस को किसने डेवलप किया है, बजार ने, स्ट्यू स्टब ने, इन 1978 या फिर अर्लीज 1980। नेक्स्ट डिफरेंस इन दोनों में सी इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। कि सी क्या है, सबसेट है, मतलब एक छोटा सा सेट है सी प्लस प्लस का। और सी प्लस प्लस क्या है, एक सुपर सेट है सी प्लस प्लस का। मीन्स सी प्लस प्लस क्या है, सी से एडवांस है, तो सी प्लस प्लस क्या हुई, सुपर सेट हुई सी के लिए। सी डज नॉट सपोर्ट पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड एस्क्रिप्चुलेशन लाइक फीचर्स। कि सी प्लस प्लस में क्या होता है, सी प्लस प्लस पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और एनकैप्सुलेशन जैसे फीचर्स को सपोर्ट करती है, लेकिन सी इनको सपोर्ट नहीं करती। नेक्स्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच में कि सी में क्या है, 32 कीवर्ड्स होते हैं टोटल, लेकिन सी प्लस प्लस में टोटल कीवर्ड्स कितने हैं, 63, जो अब एक्सटेंड होकर 93 हो चुके हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजरल ओरिएंटेड। कि सी प्लस प्लस क्या है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और सी प्लस प्लस क्या है, प्रोसीजरल प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है, जिसके अंदर वन बाय वन हमारा कोड लाइन बाय लाइन प्रोसेस होता है। जैसे फर्स्ट नंबर लाइन हुई, फिर सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। मतलब वन बाय वन हमारे पास जितनी भी लाइन ऑफ कोड होती है वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होती है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि है सी प्लस प्लस। अब हमारे पास है एक प्रोसीजरल प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब वन बाय वन तो वो लाइन एग्जीक्यूट होगी, साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ऑब्जेक्ट और क्लासेस के फीचर्स उसके अंदर इंक्लूड होंगे, वो होती है सी प्लस प्लस। नेक्स्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच में कि सी डज नॉट सपोर्ट एब्स्ट्रैक्शन। सी क्या करती है, एब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट नहीं करती, जबकि सी प्लस प्लस एब्स्ट्रैक्शन फीचर को सपोर्ट करती है। अब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट करना, मतलब जितने भी हमारे पास रिलेटेड टर्म है सिर्फ उतने को शो करना, जिस चीज़ की हमें नीड नहीं है उसे हाइड कर देना। लेकिन सी प्लस प्लस में क्या होता है, हम कहीं से भी कोई भी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते, सी में कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में हमारे पास 3 फीचर्स आ जाते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने हिसाब से उसे रूल्स दे सकते हैं कि इसे ये चीज़ एक्सेस कर सकती है, ये फंक्शन एक्सेस कर सकता है और ये फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन सी क्या करता है, इसे सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट है हमारे पास फीचर। अब सी प्लस प्लस क्या करता है, सी प्लस प्लस फंक्शन ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन सी ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता। ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि हमने फंक्शन का नेम सेम ले लिया और हम उसे डिफरेंट डिफरेंट वर्क करवा रहे हैं सेम फंक्शन नेम से, लेकिन सी प्लस प्लस तो इसको सपोर्ट करेगा, लेकिन सी इसे सपोर्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच में, डज नॉट सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ना तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग का सपोर्ट करता है सी, ना ही ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सपोर्ट करता है, लेकिन सी प्लस प्लस क्या करता है, दोनों को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है इसके बीच में डिफरेंस, इट इज़ अ फंक्शन ड्राइव लैंग्वेज। फंक्शन ड्रिवन लैंग्वेज मतलब जिसके अंदर जितना भी काम होगा वो फंक्शन के अकॉर्डिंग होगा, फंक्शंस के टुकड़ों में होगा, लेकिन सी प्लस प्लस में जितना भी काम होगा वो किसके बेस पे होगा, ऑब्जेक्ट ड्रिवन या फिर क्लास ड्रिवन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच में, फंक्शन इन सी प्लस प्लस आर डिफाइंडेड। मतलब जितने भी फंक्शन होंगे सी प्लस प्लस में वो डिफाइंडेड होंगे, और जो सी में फंक्शन होंगे उनकी डेफिनेशन क्या होगी, स्ट्रक्चर के अंदर नहीं होगी। नेक्स्ट फीचर है नेम स्पेस नाम से, जो सी प्लस प्लस में है। सी प्लस प्लस में एक कीवर्ड है नेम स्पेस, लेकिन सी में ऐसे नाम का कोई भी कीवर्ड नहीं है। सी के लिए हम कौन सी हेडर फाइल को यूज करते हैं जिसके अंदर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हो, वो है stdio.h। और सी प्लस प्लस के लिए हम कौन सी हेडर फाइल का यूज करेंगे, iostream.h का। नेक्स्ट डिफरेंस है दोनों के बीच में कि सी प्लस प्लस क्या करता है, ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन सी क्या करता है, ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता। सी क्या करता है, फॉलो द टॉप डाउन अप्रोच। मीन्स सी में होगा कि टॉप डाउन अप्रोच को वो फॉलो करेगा, मतलब ऊपर से नीचे की ओर कंपाइल करता हुआ वो आएगा, पहले फर्स्ट लाइन करेगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे सो ऑन, मतलब फर्स्ट से स्टार्ट होगा और एंड तक आएगा अप से डाउन। लेकिन सी प्लस प्लस क्या करता है, वो बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है, मतलब नीचे से शुरू होगा और अपर की तरफ मूव करेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं बॉटम टू अप अप्रोच। सी स्ट्रक्चर नॉट हैव अ एक्सेस स्पेसिफायर। कि सी के स्ट्रक्चर में एक्सेस स्पेसिफायर नाम से कोई चीज नहीं है, लेकिन सी प्लस प्लस में एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। अब इनपुट आउटपुट के लिए हम सी में क्या यूज करते हैं, स्कैनफ और
प्रिंट एफ का यूज करते हैं, इसके अपोजिट सी प्लस प्लस में हम सी इन और सी आउट का यूज करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच में कि सी डज नॉट सपोर्ट इनहेरिटेंस, कि सी इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती जबकि सी प्लस प्लस इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि हमने एक क्लास बनाई बेस नाम से, उसको हम ड्राइव क्लास में यूज कर सकते हैं, मतलब बेस क्लास के अंदर जो भी फीचर्स होंगे उसको वो यूज कर सकता है ड्राइव क्लास, लेकिन सी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो इनहेरिटेंस को सपोर्ट करे। नेक्स्ट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि सी डू नॉट फॉलो स्ट्रिक्ट चेकिंग, कि सी में स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती और सी प्लस प्लस में स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। स्ट्रिक्ट चेकिंग मतलब अगर छोटा सा भी एरर है तो वो भी कंपाइलर शो करेगा, लेकिन सी में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच में सी यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर, कि सी क्या करता है फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करता है, लेकिन सी प्लस प्लस डू नॉट यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर, सी प्लस प्लस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज नहीं करता। 20, अब हमारे पास दोनों में क्या है डिफरेंस, लास्ट डिफरेंस है कि सी क्या है प्रोवाइड मैलोक एंड कैलोक फंक्शंस फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड फ्री फॉर मेमोरी डी एलोकेशन। मतलब सी क्या करता है मैलोक और कैलोक फंक्शन का यूज करता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए और फ्री फंक्शन का यूज करता है डी एलोकेशन के लिए, लेकिन इसके अपोजिट सी प्लस प्लस क्या करता है, उसने हमें एक नया कीवर्ड दिया है न्यू नाम से, न्यू ऑपरेटर फॉर मेमोरी एलोकेशन एंड डिलीट ऑपरेटर फॉर मेमोरी डी एलोकेशन। सो ये है इसकी समरी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपके हेल्प के साथ साथ बाकी सब स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो और हमारे लिए भी एक मोटिवेशन बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।